हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका गेमिंग वायरस की एक और प्यारी सी वीडियो में और हमारे GTA 5 के एपिसोड नंबर 44 में। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं मेयर के पास। मैं जिमी को लेके जाऊंगा और मेरे दो गार्ड्स को लेके जाऊंगा अपने साथ में, बाकी सब यहीं रहेंगे हमारे हाउस की सिक्योरिटी में। क्योंकि यार जो आप लोगों ने देखा होगा पिछले एपिसोड में हम पे हमला हुआ था, उसके लिए हमें मेयर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं पहले इनको बता देता हूँ कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो यार भाई ये तो चल दिया है यहाँ से, ये ट्रेवर का ही एक बंदा था जो कि इन गार्ड्स को लेके आया था यहाँ पे। और ट्रेवर का इसका क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। इसका काम सिर्फ ये था कि ये हमारे पास सिक्योरिटी को पहुँचा दे। ये जिमी के फ़ोन पे फ़ोन करके आया था यहाँ पे। यार बहुत बेकार तरीके से गाड़ी चलाता है यार ये तो। चलो वो तो गया यार, मैं इनको लेके भी चलता हूँ यहाँ से। तो यार इन तीनों को लेके जाऊंगा मैं यहाँ से, तो अपनी गाड़ी निकालता हूँ मैं और अभी हम लोग जाएंगे मेयर के पास और मैं उसकी लोकेशन भी लगा लेता हूँ एक बार। और यार ये गाड़ी ना यार सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है, यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। मैं अपनी डिफेंडर को बुला लूँगा, अपनी डिफेंडर मंगा लूँगा किसी को बोल के। वो अभी भी हमारे पुराने मेंशन पे ही है जो कि ऑब्वियसली हमने बेच दिया है। बेच तो क्या दिया है भाई, जिसका था उसने वो हमसे ले लिया। वो बोला कि भाई अभी जो आपने जितना भी पैसा दिया था वो मैं वापस दे रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा मेंशन अपने पास रखूँगा। ठीक है भाई, हमने भी दे दिया क्योंकि यार हमने एग्रीमेंट पे लिया था, वो बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं ख़रीदा था, यही हमारी गलती थी। तो वैसे भी यार कोई दिक्कत नहीं है, चलो नया मेंशन ले लेंगे, तब तक हम अपने यहाँ पे पुराने मेंशन पे हैं। और पहले चलते हैं यार हम मेयर से जाके मिलते हैं और उससे बात करते हैं उस गैंगस्टर के बारे में, क्योंकि मेयर का हमारे पास कॉल आया था कि उसे कुछ बात करनी है। तो पहले मैं मेयर से जाके मिल लेता हूँ एक बार यार। और लॉस सैंटोस का ट्रैफिक भाई, और ऊपर से ये गाड़ी मतलब बहुत धीरे चलती है यार। तो यार आप लोग अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे हिट कर लेना, ताकि हमारी सभी गेमिंग की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस ना करो। तो एक मिनट यार, हाँ चलते हैं एक बार मेयर के मेंशन पे। मेंशन नहीं है, मेयर का ऑफिस है भाई वो। और उस गैंगस्टर के रिगार्डिंग हमें भी मेयर से कुछ बात करनी थी, मेयर को हमसे भी कुछ बात करनी है। तो वो सारी चीज़ें तो भाई वहीं पे जाके पता चलेगा। और दूसरी बात यार, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि उस गैंगस्टर का एक बंदा हमारे यहाँ रह गया था, वो पूरे तरीके से मरा नहीं था, उसको हम लोगों ने उठा लिया है और अपने किसी सीक्रेट बेस पे पहुंचा दिया है। जिमी ने बोला कि जिमी अपने आप देख लेगा उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिमी एक मिनट, बस 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 हम पहुंच गए भाई। तो जिमी यार उसको क्या करेगा उसके साथ क्या नहीं करेगा हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे लगाते अपनी गाड़ी को। तो यार ये लोग बाहर ही रुक गए, मैं यहाँ पे आ गया अंदर। तो मेयर से बात करता हूँ, एक सेकेंड यार, ये तो ट्रेवर का आर्मी चीफ है भाई, मैं इससे मिला था ट्रेवर के पास जब हम गए थे तब। तो ये क्यों आया है वो भी हमें पता चल जाएगा मेयर से बात करके। तो यार मेयर साहब से हमारी बात हो गई है और इन्होंने बोला है कि भाई फ्रैंकलिन तू उस गैंगस्टर को मार, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो न्यूज़ है ये किसी के भी हाथ ना लगे। तो हमने बोल दिया भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मार देंगे और उसके बाद के जो केस वगैरह होंगे वो यार ये खुद देख लेगा। और यार ये जिमी यार कहाँ गए भाई। तो यार मैं उनको कॉल करता हूँ, कहाँ चले गए कहाँ रह गए हैं वो लोग, और उसके बाद ही हम आगे देखेंगे। तो आज के एपिसोड में यार बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे अपने किसी सीक्रेट बेस पे, जहाँ पे हम लोगों ने उस बंदे को छुपा के रखा है, किडनैप करके रखा है, और वहीं पे सारी डिटेल्स हम उससे लेंगे। और अब तक तो जिमी ने उससे उलवा भी लिया होगा यार, जिमी के बंदे बहुत खतरनाक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी प्यारे से नए गेम या फिर GTA 5 के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।